प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस बार 10वीं 12वीं परीक्षा देने वाले छात्रों को तनाव मुक्त चिंता मुक्त परीक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना, नौजवानों के लिए स्टार्टअप जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपने सुझाव किए साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की 2016 की पहली मन की बात। जनता से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीदों के नमन को एक स्वभाव बनाना चाहिए। हर वर्ष 30 जनवरी को 11 बजे 2 मिनट के लिए मौन रखें। प्रधानमंत्री ने खादी का जिक्र करते हुए कहा कि ये ग्रामोद्योग से जुड़े लोगों तक पहुंचने का एक प्रयास है और फैशन के रूप में भी खादी ने अपनी जगह बनाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आगामी बजट में लोक लुभावन नीतियों का सहारा नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसमें ढांचागत सुधारों पर ध्यान दिया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल बिजनेस समिट और राष्ट्रीय लागत सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मजबूत आर्थिक बुनियाद बनाने की जरूरत है। एक अन्य कार्यक्रम राष्ट्रीय लागत सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा है कि मेक इन इंडिया अभियान की सफलता के लिए भारत को कम लागत वाले विनिर्माण केंद्र बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास कम लागत पर सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता है। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कम कीमतों का दौर और अन्य परिस्थितियां भारत के अनुकूल हैं और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि पठानकोट हमले से भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता पर असर पड़ा है। नवाज शरीफ ने पठानकोट हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के साथ बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन पठानकोट हमले ने इस पर असर डाला है। उनके मुताबिक इस कारण दोनों देशों के बीच बातचीत धीमी पड़ी है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को अगले महीने से परामर्श की सुविधा प्रदान करेगा। छात्रों पर होने वाले परीक्षा दबाव को कम करने में मदद के लिए ये परामर्श टेलीफोन, अखबारों और ऑनलाइन माध्यमों से दी जाएगी। भारत में कक्षा 10 और 12 के छात्र परीक्षा से संबंधित दबाव व अन्य जानकारियों के लिए सीबीएसई के हेल्पलाइन नंबर 1800118004 पर संपर्क कर सकते हैं। तुर्की के एजियन तट पर शरणार्थियों को ग्रीस ले जा रही नाव डूबने से 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 लोगों को बचा लिया गया है। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। तुर्की तटरक्षक बल के जवानों की मदद से अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि सीरिया, अफगानिस्तान और म्यांमार के 120 शरणार्थियों को तुर्की के कनाकाले प्रांत से लेकर ग्रीस के लेस्बोस द्वीप के लिए करीब 17 मीटर लंबी नौका रवाना हुई थी। अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मंत्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला आज 5 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर अब्दुल्ला सुरक्षा सहयोग सहित प्रमुख क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 4 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है। नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस की वित्तीय अपराध शाखा ने महिंदा के दूसरे बेटे योशिता राजपक्षे को गिरफ्तार किया और श्रीलंकाई नौसेना मुख्यालय में पूछताछ की गई। सीरिया में सेना और विद्रोहियों से घिरे शहर मडाया में इस महीने के शुरू में सहायता कर्मियों के काफिले के आने के बाद से 16 और लोगों की भूख से मौत हो गई है। मानवीय समूह ने चेताया है कि शहर के कई दर्जन निवासियों की जिंदगी पर मौत का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वो गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। कोलंबिया ने घोषणा की है कि देश में 2100 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं जीका वायरस से संक्रमित हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में इस समय 2116 गर्भवती महिलाओं समेत कुल 20,297 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। बीमारी का सबसे ज्यादा असर अब तक ब्राजील में हुआ है। तुर्की ने रूस के एक लड़ाकू विमान पर हवाई सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया है। तुर्की ने इस मामले में राजधानी अंकारा स्थित रूस के राजदूत को तलब किया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस के लड़ाकू विमान SU-34 ने तुर्की की हवाई सीमा का उल्लंघन किया, जबकि उसे रूसी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चेतावनी दी गई थी।